हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज का टॉपिक है सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ विच प्रोटीन ऑफ अर्शिनिया वुड इंटीग्रिन प्रोटीन ऑफ मेमेलियन सेल इंटरैक्ट फॉर इंटरनलाइजेशन। तो अल्बर्ट मोलिकुलर बायोलॉजी का कुछ लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ। ए बैक्टीरियम दैट काज द डायरिया, एक बैक्टीरियम जो डायरिया काउज करता है, अर्सिनिया स्पीसीज, अर्सिनिया स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव है किसका, प्लेग बैक्टीरियम का, अर्सिनिया पेस्टिस। ये एक प्रोटीन एक्सप्रेस करता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेशिन, जो बाइंड करता है बीटा वन इंटीग्रीन से। यही तो आपका क्वेश्चन है, अर्सिनिया वुड इंटीग्रीन प्रोटीन ऑफ मेमेलियन सेल किसके साथ, इन्वेशिन के साथ। ये अल्बर्ट मोलिकुलर बायोलॉजी का सेम टू सेम लाइन है, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक शॉक इज कॉज्ड बाय, टॉक्सिक शॉक कैसे होता है। तीन एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स है, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाज, ये इसको हम लोग प्रोफेशनल एंटीजन प्रिंटिंग सेल भी कहते हैं, एपीसी, जो एक्सप्रेस करता है क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल। सिंपली समझिए कि अगर कोई एंटीजन इंटर करता है तो वो एंटीबॉडी से बाइंड करता है, या तो वो बी सेल के एंटीबॉडी से बाइंड करेगा या तो टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा। लेकिन सुपर एंटीजन कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो साइमल्टेनियसली दोनों से एक साथ बाइंड कर जाते हैं, एंटीजन प्रिंटिंग सेल और टी सेल से भी दोनों से एक साथ बाइंड करते हैं, जिसके कारण दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके कारण टी सेल का एक्टिवेशन कुछ ज्यादा ही होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं। कहने का मतलब है कि एक्टिवेट लार्ज नंबर ऑफ टी सेल। तो ऐसे सुपर एंटीजन के कारण ही इसी को हम लोग कहते हैं टॉक्सिक शॉक। तो सुपर एंटीजन के कारण ही टॉक्सिक शॉक होता है। ये ऑप्शन आपका कौन सा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टी सेल्स बाय बैक्टीरियल सुपर एंटीजन, यही सुपर एंटीजन ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस इन्वॉल्व द फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, क्या लेबल होता है। दो तरह का इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है, आइए आपको फिगर से समझाते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट विथ फ्लोरोक्रोम लेबल एंटीबॉडी, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दो तरह से होते हैं, आइदर तो एंटीबॉडी में फिर से एंटीबॉडी जोड़ के इसको फ्लोरोसेंट अटैच कीजिए, या तो एंटीबॉडी में कोई प्रोटीन डाल के उसको फ्लोरोसेंट अटैच कीजिए। ऑप्शन में क्या क्या है, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, नहीं एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी स्पेसिफिक है, ये इस एंटीबॉडी में से एंटीबॉडी को जोड़ा गया है, ये नहीं होगा। इम्यूनोग्लोबिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, हाँ ये होगा। आईजी स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है, ये एक आईजी है और इसमें एंटीबॉडी जोड़ा गया और इसके बाद इसमें फ्लोरोसेंट को ऐड किया गया है। तीसरा है हैप्टेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, कैरियर स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ये सारे कुछ नहीं होंगे, इम्यूनोग्लोबिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही होगा इसका आंसर। ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू, डीपोलराइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले आप जानिए, नॉर्मली अपर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनर में निगेटिव होते हैं। बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अंदर निगेटिव चार्ज है, ये पोलराइज्ड है। और ये होता है किससे, इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटासियम एटीपेज से, जिसमें कि तीन सोडियम बाहर आते हैं और दो पोटासियम अंदर जाते हैं, ये नॉर्मल है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है 50-70 मिलीवोल्ट। क्वेश्चन पर आइए, ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, तो हम लोगों ने अभी समझा पोलराइजेशन क्या है। एक पोलराइजेशन की अगर बात करेंगे तो ऊपर में सरफेस पर पॉजिटिव है और अंदर में निगेटिव है, ये पोलराइज्ड है। अभी हमने देखा कि ये पोलराइज्ड न्यूरॉन जो होते हैं, बाहर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और अंदर निगेटिव चार्ज रखते हैं। अब जैसे ही न्यूरॉन में हरकत होता है, ये है आपका एक्सॉन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, जैसे ही ये किसी मैसेज को कन्वे करना चाहेगा, एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा आगे की तरफ। मूव करने का मतलब है, अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये डीपोलराइज्ड होते जाएगा। तो डीपोलराइज्ड होने के लिए सोडियम आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट होगा, सोडियम अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, और इस मूवमेंट के दौरान जो रिजल्टेंट होगा वो अंदर में पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगेगा और बाहर में निगेटिव चार्ज जमा होने लगेगा।
यही है डीपोलराइजेशन। इसका आंसर तो सिंपल है कि ये एनए इनफ्लक्स हुआ, ऑप्शन सी होगा। आगे भी देख लेते हैं, जैसे ही ये मूव करेगा एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ, जैसे ही ये इंड की तरफ जाएगा तो यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा, और जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल एक्टिवेट होगा ये प्रमोट करेगा सेक्रेटरी वेसाइकिल कंटेनिंग एसिटाइल कोलीन, यानी कि कैल्शियम ही जिम्मेदार है एसिटाइल कोलीन के रिलीज के लिए। और जैसे ही एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा ये दूसरे न्यूरॉन की तरफ ये ट्रांसफर करेगा मैसेज को। फिर जैसे ही दूसरे न्यूरॉन का बॉडी, सेल बॉडी जो है इसको रिसीव करेगा, तो फिर से ये एनए चैनल को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इसको डीपोलराइज होते हुए जाना है, एक्शन पोटेंशियल को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही फिर ये इंड पे जाएगा फिर कैल्शियम आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा, और फिर से एसिटाइल कोलीन दूसरे न्यूरॉन सिस्टम में जाएगा, मतलब एक से दो, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, तीसरे से चौथे न्यूरॉन में, और ऐसे ही मैसेज आगे की तरफ एक्शन पोटेंशियल के थ्रू बढ़ते जाएगा, यानी कि डीपोलराइजेशन होते जाएगा। इसका सिंपल आंसर है एनए प्लस इनफ्लक्स होगा तो ही डीपोलराइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज एन इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम, इट प्रीफर टू द इन्फेक्ट। तो लंग्स में एक माइक्रोफाज होते हैं एल्वियोलर माइक्रोफाज, जिसको कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्ट करता है। ये तो सिंपल सा आंसर है माइक्रोफाज, आपको कुछ और एक्सप्लेन करते हैं इसमें। माइक्रोफाज का एबिलिटी होता है साइटोकाइन रिलीज करने का, जो क्रूशियल होता है होस्ट रिस्पॉन्स टू इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन। इस बात को लाकर हमने आपको समझा, इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम मतलब इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन के लिए क्रूशियल क्या होता है, माइक्रोफाज का साइटोकाइनिन रिलीज करना। ये माइक्रोफाज डिराइव्ड टीएनएफ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद द इंट्रासेलुलर पैथोजन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर इतना बात समझ गए हैं तो एक और बात समझते हैं कि अगर ट्रीटमेंट करना होता है इसका तो क्या इसमें यूज होता है, न्यूट्रलाइजिंग एंटी टीएनएफ एंटीबॉडी, एंटी टीएनएफ एंटीबॉडी ग्रोथ को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेग्रीन मॉलिक्यूल्स लिंक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, इंटेग्रीन बाइंड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईसीएम मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अभी तक हम लोग इतना तो जान ही चुके हैं कि चार ही फैमिली हैं, सेलेक्टिन, इंटेग्रीन, आईजी सुपर फैमिली और कैडरीन। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंटेग्रीन का, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से ये जोड़ता है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये है आपका इंटेग्रीन, लो अफिनिटी के साथ है, कैसे से बाइंड नहीं किया, इंटरमीडिएट एफिनिटी है तो ये बाइंड किया इससे, लेकिन जब हाई एफिनिटी के साथ आता है या इंटरमीडिएट में भी ये बाइंड करता है फाइब्रोनेक्टिन से। एक्स्ट्रासेलुलर किससे बाइंड किया, ये फाइब्रोनेक्टिन से, लेकिन ऑप्शन में है फाइब्रोनेक्टिन है, यही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD19 इज ए मार्कर फोर, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें CD19 मार्कर होता है, और ये कौन सा है जिसमें MSC2 क्लास 2 का मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहा है, CD34 हो रहा है और CD10 हो रहा है, ये बी सेल है, यानी कि CD19 मार्कर जो होता है वो बी सेल के लिए होता है, ये बी सेल रिसेप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन। सबसे पहले आप समझिए कि चार ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलेक्टिन, इंटीग्रीन, आईजी सुपर फैमिली और कैडरीन, जो कि सेल सेल इंट्रेक्शन में काम आते हैं। स्टेबल सेल जंक्शन सिर्फ होता है इंटीग्रीन का और कैडरीन का, ये दोनों का स्टेबल सेल जंक्शन होता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि इसका स्टेबल सेल जंक्शन क्यों होता है, वही तो आपका आंसर है। सिंपली हम बताते हैं कैडरीन है, इसलिए आपका बेसिक क्लियर करते हैं हम। और कैडरीन है क्या, कैडरीन एक कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन है। ये लार्ज फैमिली है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है ईसीएम टू साइटोप्लाज्म। अब एक फिगर से देखिए, ये है आपका कैडरीन, ये ईसीएम है और ये साइटोप्लाज्म है, ये यहां से जुड़ा होता है, ये P120 से जुड़ा होता है, और ये जुड़ा होता है बीटा कैटेनिन से, और ये जुड़ा होता है बीटा अल्फा कैटेनिन से, और ये विनकुलिन से जुड़ा होता है। ये सब याद रखिए, इससे भी क्वेश्चंस, विनकुलिन से भी क्वेश्चंस आते हैं। और इसका एक खास गुण है
कि सिमिलर टाइप में ही ज्वाइंट होते हैं, किसी अदर में नहीं। कैडरिन टिपिकली ज्वाइन सेल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वन अनदर एंड ड्यू सो प्रीडोमिनेंटली बाय द बाइंडिंग टू द सेम कैडरिन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ नेबरिंग सेल। ये सिमिलर टाइप में कैसे बाइंड होते हैं? क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ कैडरिन से बाइंड करते हैं। कैल्सियम कहाँ से आया इसमें? फिगर्स बताते हैं आपको। ये जो स्टेबिलिटी होता है कैडरिन का, यहाँ जो येलो कलर का देख रहे हैं ये कैल्शियम है, मतलब इसका एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट से कैल्शियम से जुड़ा होता है और यही इसकी स्टेबिलिटी का राज है। तो कैडरिन क्या है? कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा सेलुलर एनकोर प्रोटीन? अभी भी हमने एक प्रोटीन का बात सुना था, अभी हम लोगों ने एक एडेशन का बात किया था कैडरिन का, जरा उसको देखते हैं फिर से हम लोग। ये कैडरिन था और ये अल्फा एक्टिनिन से जुड़ा हुआ है, ये बीटा कैटेनिन है, ये अल्फा कैटेनिन है, और ये जब P120 से जुड़ा हुआ है और इसके बाद बीटा कैटेनिन अल्फा कैटेनिन, इसके बाद ये किससे जुड़ा हुआ है? विनकुलिन से। क्या कोई और ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास? अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये होगा, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है विनकुलिन का, तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। इंट्रासेलुलर एनकोर प्रोटीन जो है वो विनकुलिन ही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंसुलिन एक्शन? इंसुलिन मतलब ग्लूकोज कंट्रोल, इंक्रीज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज द ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, इनहांस द लाइपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यू। इसमें लिपिड का बात नहीं होता, मतलब ये एसोसिएटेड नहीं है, मतलब आंसर है ऑप्शन सी, डिक्रीज द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सारे ग्लूकोज से रिलेटेड है, सिर्फ यही है जो बात करें लिपिड का, मतलब यही एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ? सिंगल पासेस, थ्री पासेस, फाइव पासेस, सेवन पासेस? हम लोग जानते हैं इसको कहते हैं हम लोग 7TM रिसेप्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं 7TM रिसेप्टर? ये ट्रांसमेम्ब्रेन में 7 टाइम पास होता है। ये स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे 7 पासेस होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये साइटोसोल है, ये 7 टाइम ये पास करता है, इसीलिए इसको 7TM रिसेप्टर भी कहते हैं GPCR को। चलिए इस बार का चैलेंज है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इस क्वेश्चन के बारे में। ए सेल इज इन एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, कोई सेल एस फेज के सेल डिवीजन में है। सेल बी इज इन द G1 फेज, एक सेल है सेल ए एस फेज में, सेल बी है G1 फेज में। इफ सेल ए एंड बी वेयर टू बी फ्यूज देन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल बी इज हेटरोकैरियन। अगर इन दोनों को फ्यूज कर दिया जाए तो ये हेटरोकैरियन हो जाएगा सेल। अब ये किस में कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यू टू द बी इन G1 फेज, एंटर द एस फेज, एंटर द एम फेज और एंटर द G2 फेज। एक और बात साथ में लिख लीजिए कि अगर कोई माइटोटिक फेज में है सेल और एक सेल है इंटर फेज में, अब इन दोनों को अगर फ्यूज कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट सेल होगा वो किस कहां से कंटिन्यू करेगा, क्या होगा उसका फेज? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू, शेयर द वीडियो एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। Will you be there? I can feel you.